नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द खबरदार न्यूज में। तो वक्त हो चला है अब तक की बड़ी खबरों का, तो आइए शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। कर्नाटक में अश्लील वीडियो मामले में फंसे जेडीएस के पूर्व नेता प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना को बेंगलुरु के केआर नगर पुलिस स्टेशन ने हिरासत में लिया है। उनके ऊपर अपहरण का एक मामला दर्ज था, उसी मामले में एसआईटी ने उन्हें हिरासत में लिया है। पाकिस्तान मूल के सादिक खान लंदन के मेयर के लिए चुनाव रिकाउंटिंग में आगे चल रहे हैं। लेबर पार्टी ने उनकी जीत का दावा किया है। पाकिस्तानी मूल के सादिक खान एक बार फिर लंदन के मेयर हो सकते हैं। 2 मई को हुए चुनाव के परिणाम 4 मई शनिवार को आ रहे हैं। काउंटिंग फिलहाल जारी है और सादिक खान बाकी उम्मीदवारों के मुकाबले सादिक खान काफी आगे चल रहे हैं। बिहार की चुनावी सभा में एनडीए और एनडीए गठबंधन के नेता एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों पीएम मोदी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। वहीं इस पर बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शनिवार को पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी, आप प्रधानमंत्री की चिंता या फिर बीजेपी की चिंता करना छोड़ दीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने 2014 के पहले और बाद का भारत देखा है। 2014 के पहले का भारत दुनिया में विश्वास खो चुका था, आतंकवाद व नक्सलवाद से त्रस्त था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिहाद की बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के धोखेबाज बताया है और कहा कि यह गैंग गरीबों को फंसा कर और डरा धमका कर उनसे गलत काम करवाती है। इस मामले में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया उसमें सागर बाल और विक्की गुप्ता शूटर था, जबकि सोनू कुमार बिश्नोई, अरुष कुमार थापन ने बंदूक और गोलियां सप्लाई की थी। 2016 में तेलंगाना के हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित बेमुला के आत्महत्या मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर सियासी तूफान खड़ा हुआ है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि रोहित बेमुला दलित नहीं था और उसे इस बात के खुलासा होने का डर था, इसलिए खुदकुशी कर ली। इसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विरोधियों को, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। बिहार के दरभंगा में आयोजित रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को भी चुनौती दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर इंडिया अलायंस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर देश को धर्म के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। दुनिया में इस समय 2 अलग अलग युद्ध चल रहे हैं। पहला युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, जो पिछले 2 सालों से जारी है, जबकि दूसरा युद्ध इजराइल हमास के बीच साल अक्टूबर 2023 से चल रहा है। हालांकि युद्धों का अब तक समाधान नहीं निकल पाया है। ये दोनों युद्ध कहां जाकर खत्म होंगे शायद कोई भी नहीं जानता है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बड़ा हादसा सामने आया है। अनंतनाग में सेना का एक वाहन खाई में गिर गया। इस हादसे में एक सैन्यकर्मी की मौत हो गई और लगभग 9 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के वेरीनाग इलाके में ये हादसा हुआ है। एक अधिकारी ने बताया कि 19RR का सैन्य वाहन बट्टा गुंड वेरीनाग में सड़क से अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया। अभी तक सेना के एक जवान की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 9 अन्य को चोटें आई हैं। दरभंगा के राज मैदान में बीजेपी प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर के पक्ष में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने यह बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बिहार के दरभंगा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना जोरदार निशाना साधा। कहा कि दिल्ली में जिस तरह एक शहजादे हैं, उसी तरह एक पटना में भी हैं। दोनों की रिपोर्ट कार्ड एक जैसी ही है। एक शहजादा पूरे देश को तो दूसरे पूरे बिहार को अपनी जागीर समझता है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही खबरों से बने रहने के लिए देखते रहें द खबरदार न्यूज़। तब तक के लिए धन्यवाद।